चलिए निमसेट 22 के एक और टॉपर से मिलते हैं। ऑल इंडिया रैंक है 14, नंदिनी नाम है इनका। और नंदिनी, सबसे पहले आपको इस रैंक की, ऑल इंडिया 14 रैंक की ढेर सारी शुभकामनाएं आपको, आपके पेरेंट्स को, सभी को। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर। ये सारी क्रेडिट आपको, प्रतीक सर को, मेरी पेरेंट्स, सबको जाती है। तो नंदिनी, आप क्योंकि जैसे झारखंड से हैं, आपने वहां पर रहकर पढ़ाई की और इतना अच्छा परफॉर्म किया, तो मैं ये जानना चाहूंगा कि आपने, क्योंकि फाइनल ईयर के बाद किया, ड्रॉप लिया हुआ था आपने, तो आपकी जो सक्सेस जर्नी है उसको आप कैसे बताएंगे वो मैं चाहूंगा, क्योंकि बच्चे जानना चाहते हैं। अभी जो पहले दो बच्चों की, जैसे सेकंड रैंक पे, नाइन्थ रैंक पे जो बच्चे हैं, उन्होंने अपनी वो फाइनल ईयर के साथ उन्होंने अचीव की, किस कोई बच्चा ड्रॉप लेके करता है, तो आपकी जो सक्सेस जर्नी है, स्टार्ट कैसे, निमसेट की प्रिपरेशन की, किस ढंग से आपने पढ़ाई की और इतनी अच्छी रैंक अचीव की। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बोलना चाहूंगी कि मैं कोलकाता के लिए ग्रेजुएशन करने गई। मैं यहाँ से कोलकाता में गई तो मुझे सेकेंड ईयर में निमसेट के बारे में पता चला, सौरभ सर से मुझे निमसेट के बारे में पता चला। तो उसके बाद मैंने सोचा कि करना चाहिए, तो मैं वहां से एक लोकल इंस्टीट्यूट से मैंने मतलब प्रिपरेशन स्टार्ट कर दिया। मेरे को तब आपके बारे में उतना नहीं पता था, मुझे सिर्फ मैजिकल कैप्सूल के बारे में पता था कि हाँ करना है। तो मैंने 2021 की प्रिपरेशन के लिए मैंने मैजिकल कैप्सूल लिया था। हाँ, उसमें एक्चुअली 2021 में मेरा मतलब कि 1500 रैंक आया था, ऑल इंडिया रैंक। तो उसमें मेरी कुछ कुछ मिस्टेक्स हुई थी। फर्स्ट ऑफ ऑल कि मेरे को प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिला था, क्योंकि मैं सेल्फ स्टडी कर रही थी, लॉकडाउन भी चल रहा था। मुझे कोई मतलब उतना गाइड नहीं किया कि आपकी टेस्ट सीरीज लेनी चाहिए ये वो, ताकि मैं कोई प्रॉपर गाइडेंस मिलती टीचर्स की, तो वो मुझे कुछ पता वैसा था नहीं। तो मेरा मतलब उस ईयर में मतलब बहुत, मैंने बहुत टाइम वेस्ट कर दिया। मतलब जो रॉन्ग क्वेश्चन थे उसमें भी मैंने मतलब दो तीन बार मैंने ट्राई किया। मुझे लगा नहीं नहीं ये सही हो सकता है, मैं एक बार ट्राई करती हूँ। मतलब हर एक स्टूडेंट का वो एक थॉट्स आ जाता है कि नहीं ये सही हो सकता है, एक बार ट्राई करना चाहिए। तो ये सारी मेरी गलतियां थी। उसके बाद मैंने ज्वाइन किया, बिना कुछ सोचे मुझे ज्वाइन करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल ड्रॉप, मतलब ड्रॉप लेना बहुत बहुत किसी किसी के लिए बहुत बड़ा चीज होता है कि ड्रॉप लेना चाहिए नहीं। मेरी फैमिली मुझे बहुत सपोर्ट की उस समय, जब मेरा 2021 में मेरी अच्छी रैंक नहीं आई थी तो मैं बहुत अपसेट थी। ऑब्वियसली हर स्टूडेंट्स होते हैं अपसेट, तो मैं बहुत ज्यादा अपसेट थी। तो मेरे फैमिली ने बोला कि ठीक है तुम्हें करने का मन है तुम ड्रॉप लो, बट फ्रेंड्स ने बोला क्यों ले रहे हो, अच्छा कॉलेज अगर कोई और मिल गया तो कर सकते हो। तो मतलब दोनों चीज आ रहा था कि लो भी और मत भी लो। तो फिर मेरे को आपकी एक बात याद आई, मतलब मेरे को मतलब एक था कि मेरे को लेना है, मतलब NIT कॉलेज में जाना है, एक साल ड्रॉप लेके देख लेती हूँ, होगा नहीं होगा मैटर नहीं करता है, एटलीस्ट मुझे आगे जाके रिग्रेट नहीं रहेगा कि मैंने मतलब ट्राई नहीं किया। वो बहुत बहुत ज्यादा मैटर करता है कि मैंने मतलब एक साल सोच के मैंने मतलब वो दिया नहीं अपना एक साल। तो मुझे फिर आपकी एक बात याद आई कि जो आपका एक साल, मतलब जो आपका एक साल 25 साल को सुधार सकता है, तो वो एक साल के बारे में बिल्कुल मत सोचो, बस दे दो। कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि कुछ ना कुछ तो सीखूंगी ही जरूरी है एक साल में, कुछ एक साल बड़ा बात नहीं है, लाइफ कुछ ना कुछ तो सिखा ही देगा ये मतलब एक साल की ड्रॉप में। तो मैं बहुत कुछ सीखी फर्स्ट ऑफ ऑल ये एक साल में, मेरे लाइफ में जो चेंजेस आया मैं बता नहीं सकती हूँ। मतलब इतना कुछ, मतलब मैं तो एक्सपेक्ट भी नहीं की थी कि मेरा 14 रैंक आएगा। मतलब मुझे बहुत अच्छा लगा। और मेरी प्रिपरेशन की जहां तक बात है कि मैंने टाइम दिया, हर चीज को टाइम दिया। आपने जो जो बोला मतलब मैंने हर चीज आप बंद करके मैंने कर डाला। मैंने सोची भी नहीं कि क्या करना। आप तो वो भी बोले थे कि एग्जाम से पहले फ्रूट्स खा के जाना, तो नहीं मैं फ्रूट्स ही खा के जाऊंगी सर ने बोला है। तो मतलब वो सारे चीजें, मतलब एक एक चीज। और स्पेशली मैं बुक बहुत सारा ली हूँ, लेकिन मतलब आपके बोलने के बाद मैंने कुछ भी नहीं पढ़ा बुक का, कुछ भी नहीं, एक भी नहीं। आपका जितना भी सब कुछ है मैंने मतलब सारा कुछ, आपका नोट्स दिया हुआ सब कुछ मैंने उसी से किया। और कभी एक बार मतलब मैं अपने जूनियर्स को इनफैक्ट ये बोलना चाहूंगी कि एक बार मेरा मतलब मेरा खुद का एक्सपीरियंस है कि एक बार ऐसा हुआ मेरे साथ कि मैं आपकी जो ट्रिगो की नोट्स है मैंने 3-4 बार कर लिया। मैं फिर सोची कि क्या करूं अब, 3-4 बार तो हो गया, चलो बुक कर लेती हूँ, बुक में बहुत सारी क्वेश्चन मिलेंगे।
तो मैंने बुक करना स्टार्ट कर दिया। मैंने एक हफ्ता बुक किया और उस हफ्ते के मॉक में मतलब 100 मार्क्स का डाउन फॉल चला गया। मतलब एज यूजुअल जरा मतलब मेरा जो मार्क्स था डाउन फॉल, तब मेरे को समझ आया नहीं, बुक नहीं करना है, जो सर बोल रहे उसको करो, 50 बार उसी को करो लेकिन उसको ही करो, बुक मत छोड़ो, क्योंकि उसमें बहुत सारी नई नई चीज आती है जो हमें इधर उधर मतलब भटका बहुत देती। ज्यादा डिस्ट्रैक्ट कर देती है। तो वो सारी चीजें आपकी याद आई। मॉक आपने बोला था, मॉक मतलब जितनी प्रैक्टिस कर सकते हो उतना करो, मैंने उतना किया। इसलिए मतलब मैथ्स में को एक चीज अच्छी लगी कि मैंने 42 अटेम्प्ट किया जिसमें से 41 सही हुआ। वेरी तो गुड, वो सब आपके आपकी वजह से, सर आपकी सारी वर्डिंग सब कुछ मुझे याद रहती थी। और स्पेशली एग्जाम सेंटर जाने से पहले मुझे सिर्फ एक चीज याद थी, मैं मतलब जा रही थी तो सिर्फ दिमाग में ये बोल रही थी कि आपने जो बोला था कि तुम कुछ खोने नहीं जा रही हो, वहां पे कुछ खोने नहीं जा रही हो, तुमको वहां से कुछ पाना है। क्योंकि मुझे भी लगा कि अगर मेरी कैसी भी रिजल्ट होगी, मेरी फैमिली तो मेरे साथ रहेगी ही रहेगी, कुछ हो ना हो हमेशा रहेगी, मैं रोऊं तो भी रहेंगे, नहीं मतलब अगर खुश हूं तो भी वो रहेंगे, मैं कुछ खोने जा नहीं रही हूँ, मुझे कुछ पाना है। तो मैं बहुत शांति से मतलब वहां पे गई, शांत रही, मतलब बहुत ज्यादा मोटिवेटेड थी। आपको भी जाने से पहले मैसेज किया, आपने भी बहुत अच्छे से बोला ऑल द बेस्ट बेटा, तो मुझे बहुत मतलब लगा कि नहीं सब कोई है मेरे साथ, मैं किसी को खोने नहीं जा रही हूँ, बस मुझे शांति से मतलब कामली वहां पे मतलब ध्यान से बैठना है ताकि दिमाग चले। और एक्चुअली इस बार की क्वेश्चन कुछ कुछ ऐसी थी कि थोड़ी बहुत कंफ्यूज कर देती मैथ्स में भी, क्योंकि अलग मतलब ए बी अलग अलग करके ऐसे वैसे दी हुई थी, तो उसमें बहुत कामली रहना पड़ता कि हम अच्छे से देख करके टिक कर सके ऐसा करके। तो ये सारा चीजें मतलब मैं एक्सपीरियंस की अपने लाइफ में, और आपसे तो बहुत कुछ सीखी हूँ, आपकी छोटी छोटी वो स्टोरीज बहुत कुछ सिखाती थी। मैं जैसे कभी कभी एग्जाम होता था मैं बहुत डाउन हो जाती थी, कभी अगर मार्क्स थोड़ा सा भी एक दो नंबर भी घट जाता था थोड़ा बहुत डाउन आता था, तो आपकी स्टोरीज कुछ कुछ याद आती थी, तो मतलब वो बहुत मोटिवेट करता है हर चीज। वेरी गुड नंदिनी, मैंने बहुत आपकी चीजें समझी और आपने बहुत ही अच्छे से फॉलो किया। देखिए क्या होता है जब हम किसी के साथ जुड़ते हैं, जैसे आपने फर्स्ट ईयर में जब दिया फाइनल ईयर के साथ, तो एक प्रॉपर गाइडेंस की कमी थी आपके पास, और कोई प्रॉब्लम नहीं थी। और मैं इसीलिए बच्चे को बोलता हूँ कि अगर आपने कुछ सोचा है और आप अगर सेल्फ कर रहे हैं, उस पर प्रॉपर गाइडेंस जुड़ जाए तो फायदा ही होता है। और इम्पीटस गुरुकुल वैसे भी पढ़ाने के साथ साथ आपका ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए भी जाना जाता है। मैं बोलता हूँ पढ़ाते तो सभी हैं, पर आप नई क्या चीजें सीखते हो वो सब आपने सीखा। मैंने अभी आपकी बातें बहुत ध्यान से सुनी, आपने छोटी छोटी बातों को इतने अच्छे से फॉलो किया आखिरी तक, क्योंकि हम इतना स्टडी मटेरियल इतना कुछ है कि जरूरत ही नहीं थी कहीं और। आपने वो एक्सपेरिमेंट करके देखा भी, कई बच्चे इस वजह से कंफ्यूज भी हो जाते हैं और वो इधर उधर भटकते हैं, इसलिए कई बार प्रॉब्लम होती है। और देखो आपने हर चीज को फॉलो किया, आज आपके सामने ऑल इंडिया 14 रैंक है, ये इस बात का ही नतीजा है क्योंकि आपने कहीं पे भी डिसिप्लिन को ब्रेक नहीं किया, कंसिस्टेंसी मेंटेन रखी, टेस्ट सारे दिए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। और मैं आप सभी लिसनर जो कि फ्रेशर हैं या ड्रॉपर हैं, नंदिनी ने जो बात बोली उसको कम से कम मैं बोलूंगा 2-3 बार सुनिए, अच्छे से फॉलो करिए। क्योंकि जब आप कोई टारगेट लेते हो तो फिर उस टारगेट को पूरी तरह से अपना 100% देने की कोशिश करना चाहिए। तो ये तो बहुत खुशी की बात है नंदिनी, और आपके साथ अच्छा है कि आपको ड्रॉप लेते समय जो आपने बात बोली, मैं हमेशा बोलता हूँ जहां जीवन के 25 साल देखना हुआ, 1 साल को छोटा समय, बहुत छोटा सा समय होता है, और आपने उस समय को दिया आज, कम से कम ये अफसोस नहीं, यही मैं बोलता हूँ ड्रॉप के बाद। और आपने बहुत अच्छी बात बोली कि नहीं होगा होगा जो भी है, पर मन में ये नहीं रहेगा कि मैंने अपने आप को समय नहीं दिया। तो ये बहुत ही खुशी की बात है। और क्या बोलना चाहोगे आप अपने जूनियर्स को जो ड्रॉप लेने का मन बना रहे हैं और घबरा रहे हैं उनको, या फ्रेशर्स को? क्योंकि मैं मुझे लगता है आपकी बात सुन के कई लोग समझ पाएंगे कि हम कहीं कोई गलत डिसीजन तो नहीं ले रहे हैं। मैं अपने जूनियर्स को ये बोलना चाहूंगी कि आप लोग मतलब कि आने वाले मतलब हमारे मतलब फेस हो, इम्पिटस के फेस हो, हमें मतलब इम्पिटस को आगे लेकर जाना है। और मुझे एक चीज मतलब बहुत अच्छी लगती थी सर आपकी, कभी कभी होता है कि स्टूडेंट्स मतलब एज ए ह्यूमन नेगेटिव थॉट्स भी रहता है, पॉजिटिव थॉट्स भी रहता है, वो आ ही जाता है कुछ भी कर लो। तो आप जब मैथ्स पढ़ाते थे तो आप एक क्वेश्चन बताते थे, मुझे समझ आ जाता था, तो मुझे स्टार्टिंग में मतलब वैसा था मुझे समझ आ गया, लेकिन आप उसको 4 बार बताते थे तो थोड़ी बहुत नेगेटिव चीज, क्यों बता रहे हैं सर, क्यों इतना टाइम वेस्ट करे, आगे बढ़ जाना चाहिए। उसी समय फिर कुछ देर सोची, फिर एक पॉजिटिव चीज आया कि जब सर एक क्वेश्चन को 4 बार बता सकते हैं, इतना मेहनत कर सकते हैं हमारे लिए,
हमें तो उसे 8 बार करना चाहिए कि हमारा मतलब दोगुना वो चीज हो सके, कि हमको उनसे डबल करना है, क्योंकि हमारा करियर बनने वाला आगे जाके कुछ भी होगा। तो जब आप हमारे लिए इतना मेहनत करें, तो हमारा डबल मेहनत करना तो बनता है। उस दिन मुझे ये चीज समझ आया, उस दिन मुझे मतलब और भी मोटिवेशन मिला कि नहीं, मेरे को करना ही है, चाहे जो भी हो मेरे को करना है। जो भी रिजल्ट आए, मेरे को ये भी नहीं पता था कि मैं अवार्ड सेरेमनी में आऊंगी नहीं आऊंगी, मेरी ये रैंक आएगी, मुझे कुछ नहीं पता मतलब पता था, लेकिन मुझे इतना पता था कि आपकी मेहनत है, आपकी और प्रतीक सर की, तो मुझे करना है। तो मुझे बस इतना था कि मेरे को करना है। और जूनियर्स को मैं यही बोलना चाहूंगी, डरो मत, डर के कुछ होगा नहीं। पैनिक कर, सर की एक बात मुझे बहुत अच्छी, मैं सर की सारी बात मेरे को बहुत अच्छी लगती है, पैनिक करने से अगर तुम्हें कुछ मिलता है तो दम भर के पैनिक करो, टॉप कर जाओगे पैनिक करके, और नहीं मिलता है तो शांत हो जाओ, शांत हो जाके कुछ ना कुछ करो, कुछ ना कुछ जरूर मिल जाएगा। और पैनिक करने से तुम्हें सक्सेस मिलता है तो कर लो भाई, फिर मैं क्या ही बोल सकता हूँ। तो वो चीज मेरे को हमेशा याद रहती थी कि पैनिक नहीं करना। इनफैक्ट मैं एक चार्ट बना के रखी थी, सबसे बड़ा लिख के रखी थी, डोंट पैनिक ड्यूरिंग एग्जाम। सबसे बड़ा मतलब वेरी गुड, हमेशा मैं हमेशा उसको देख के एग्जाम देने बैठती थी, और साइड में लिखी थी नेवर क्विट, आपकी जो वो रहती है नीचे हमेशा लाइन मतलब होती थी से। मेरी। यस यस, हाँ, तो वेल डन बेटा। मैं हमेशा वो लिख के रखती थी कि नहीं, मेरे को एग्जाम से पहले ये देखना है कि नहीं, मेरे को ये दिमाग में रखना है कि क्विट नहीं करना, चाहे कितना भी टफ क्वेश्चन हो स्किप कर दो, बाद में आना, लेकिन हार मत मानो। तो वो चीज मुझे बहुत मतलब मोटिवेट की आपकी सारी चीजें। और जूनियर्स क्या बोलूं, तुम लोग को ही सब कुछ करना है, मेरी बातें सुन ली, और भी बहुत सारे ऐसे इंटरव्यूज आएंगे, सबकी बातें सुनो और मेहनत करो, मेहनत का फल मीठा होता है, आज नहीं मिलेगा कभी ना कभी तो जरूर मिलेगा, पकने में टाइम लगता है लेकिन मीठा जरूर होगा। बहुत अच्छी बात बोली आपने बेटा, बहुत बहुत बधाई। आपने जो कुछ सीखा है आपके लॉन्ग लाइफ काम आने वाला है। अब आप इसी तरह से आगे बढ़ो, खुश रहो, NIT त्रिची में भी परफॉर्म करो, और बहुत जल्दी हम लोग मिलेंगे अवार्ड सेरेमनी में भी। तो वंस अगेन ऑल द बेस्ट एंड कॉन्ग्रेचुलेशन। थैंक यू सर, थैंक यू बेटा। थैंक यू सर।